हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन कुकिंग सीक्रेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं शानदार कोफ्ते। यहाँ पे हम चने का कोफ्ता बनाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने चने का पेस्ट ले लिया, हरे चने का लिया है। इसमें हम बेसन ऐड कर देंगे कोफ्ते के लिए। एक चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे, एक चम्मच हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे। थोड़ा ही नमक ऐड करेंगे, बाकी नमक हम ग्रेवी में ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं फ्रेंड। अब हम इसके सबसे पहले पकौड़े तैयार कर लेंगे इसका। इसको हम साइड में कर देंगे। तड़के के लिए हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी और जीरा। अब हमने यहाँ पे अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज का पेस्ट तैयार कर लिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें पकौड़े फ्राई कर लेंगे। पकौड़े यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। दूसरी साइड पलट के फ्राई कर लेंगे अच्छे से। पकौड़े मेरे फ्राई हो चुके हैं फ्रेंड्स। दूसरी साइड हम मसाला तैयार करते रहेंगे, तब तक उधर बाकी पकौड़े होते रहेंगे। इसको हम निकाल लेंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है फ्रेंड्स, इसमें हम 4 से 5 बड़े चम्मच तेल ऐड कर देंगे, सरसों का तेल। तेल हमने ऐड कर दिया है। तेल गर्म हो गया फ्रेंड्स, इसमें हम खड़े मसाले ऐड कर देंगे। तड़का हो गया है, अब इसमें पेस्ट ऐड कर देंगे। पेस्ट हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करके 5 से 10 मिनट ढक के पकाएंगे, जब तक मसाले से तेल ना अलग हो जाए फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ढक के मसाले को भून लेंगे। मसाले से तेल अलग हो गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे। नीचे चिपकने भी लगा है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, जितना हमको ग्रेवी चाहिए उतना ही पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं। थोड़ी देर इसको हम पका लेंगे ढक के। अब हम इसमें पकौड़े ऐड करके पका लेंगे 10 मिनट के लिए। पकौड़े हमने ऐड कर दिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार रेसिपी बनके तैयार होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसको हम 5 मिनट पकाएंगे, ढक के नहीं पकाएंगे फ्रेंड्स। अभी पक रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। इसे हम रोटी चावल के साथ सर्व करेंगे। अभी अच्छी तरीके से पक चुका है। बहुत ही शानदार कोफ्ते बनके तैयार हुए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। गार्निश के लिए हम इसमें धनिया पत्ती ऐड कर देंगे थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज, यमी बनके तैयार हुआ फ्रेंड्स। अगर मेरी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स कि कैसा बना हुआ है। थैंक यू ऑल।